नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। और जो हमारी ये इंटरव्यू श्रृंखला है उसमें आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कलापिनी कोमकली जी। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप उनको देख सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकारों में सशक्त नाम हैं। साहित्य को, संगीत के साहित्य को और उसके दूसरे आयामों को समझकर बहुत अच्छी तरह आत्मसात कर गाने वाले कलाकारों में हैं। और जाहिर तौर पर आपका एक परिचय ये भी है कि आप महान कलाकार पंडित कुमार गंधर्व जी की पुत्री हैं। कलापनी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अश्विन जी। लंबे समय से हमारी बातचीत चल रही है लेकिन कुछ सहयोग नहीं बन पाया था, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ में रूबरू होने का अवसर मुझे मिल रहा है। हाँ, कुछ संयोग ऐसा, ये तो सही बात है कि संयोग था ऐसा, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और ये बहुत खास इंटरव्यू है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत इंतजार कर भी रहा था कि आपसे बातचीत की जाए। और कुछ ऐसा संयोग है कि जैसे होता है कई बार कि हम बहुत देर से एक दूसरे से परिचय में आए, वरना अपरोक्ष तौर पर मैं बहुत सालों से जानता हूँ, चूंकि खेल पत्रकार रहा हूँ और खेल पत्रकार होने की वजह से प्रभाष जी के साथ थोड़ा सा काम करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। तो फिर मतलब मुझे लगता है कुमार जी को समझने के लिए एक बहुत मजबूत दरवाजा प्रभाष जी की तरफ से भी खुलता है, तो बहुत पहले से जानते थे। तो दीदी, इस बातचीत में कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो निश्चित तौर पर आप जिनका जवाब अब तक कई 100 बार दे चुकी होंगी, लेकिन कुछ नए सवाल भी होंगे और कुछ बातचीत देखते हैं किस तरफ जाती है। शुरुआत तो यहीं से करूंगा, क्योंकि मैं जब आपके जितने भी इंटरव्यूज देखता हूं या पढ़ता हूं या सुनता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि आप बचपन में संगीत को लेकर आपके प्रति, आपके मन में जो एक दुराग्रह कह लें था या नाराजगी थी, वो तो कहानी हम बाद में सुनेंगे, लेकिन आपने, आपको संगीत साधक बनना है, आपको संगीत सीखना है, आप संगीत के एक जो संस्कार हैं उससे जुड़कर संगीत सीखेंगी, ये सब किस उम्र में आपके अंदर डेवलप हुआ? ऐसा एक एक विशिष्ट मैं आयु नहीं कह सकती आपको कि भाई इस उम्र में मुझे लगा और यहां से इस तारीख से इस तरह से कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये बात सही है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब तक मुझ में कोई संगीत के प्रति कोई ऐसा गहरा लगाव तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि मिडिल स्कूल में थी तब एक विषय था संगीत का और चित्रकला एक विषय था। इस तरह के दो तीन विषय अलग अलग रहते हैं, नाट्य के संदर्भ में भी एक विषय था। तो उस समय मैंने संगीत के विषय स्कूल में ले रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई चित्रकला से और नाटक से मुझे संगीत शायद थोड़ा सा आसान होगा, ऐसा मुझे लगा, पता नहीं क्यों लगा। हालांकि उस समय तक मेरी ऐसी कोई बहुत रुचि नहीं थी जैसा कि मैंने कहा आपसे, लेकिन हाँ हल्का हल्का कुछ स्कूल में जो हमारी शिक्षिका थी, संगीत की शिक्षिका, वो बड़े प्यार से हमको कुछ कुछ राग के आलाप और राग के सरगम कराती थी। तो बस वो एक शुरुआत थी मिडिल स्कूल में, लेकिन उसके बाद में फिर से कुछ अंतराल निकल गया और जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में आई तब से मैंने थोड़ा थोड़ा मेरी माँ श्रीमती वसुंधरा जी के पास में बैठकर संगीत सीखना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, वो भी उनके आग्रह पर, क्योंकि वो घर में सिखाती थी, कुछ विद्यार्थी उनके आते थे, इंदौर भी जाती थी वो सिखाने के लिए कुछ विद्यार्थियों को। तो वो कहती थी कि भाई तुम आके क्यों नहीं बैठती, तो क्यों नहीं सीखती। तो मैंने कहा कि अरे यार मेरे पास बहुत पढ़ाई का रहता है बोझ और मैं इसी में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बार बार इस तरह के गाना वाना सीखने का तुम कुछ कहो मत। तो वो कहती थी कि अरे भाई छुट्टियों के दिन में जब भी तुम्हें समय मिले कम से कम आके तो बैठ जाया करो, गाओ मत पर पीछे बैठ जाया करो आकर। तो इस तरह से उनके आग्रह पर वास्तव में देखा जाए तो मैं उनके क्लास में पीछे चुपचाप जाके सुनने के लिए बैठ जाया करती थी। और फिर वो धीरे धीरे, वो जब बंदिशें सिखाती थी, वो जब राग सिखाती थी अपने विद्यार्थियों को, तो वो मेरे कानों पर बात चढ़ती चली गई और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं शायद गुनगुना सकती हूँ, शायद मैं ये जो लोग गा रहे हैं शायद इनसे भी शायद थोड़ा सा बेहतर गुनगुनाना मुझे आ सकता है। ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में थी तब मुझे लगने लगा। पर जिस तरह से शिवेन जी बहुत से लोगों की एक कहानी
रहती है संगीत को लेकर, कि हमने बचपन से गाना शुरू कर दिया, हम जब 7 साल के थे जान गाना शुरू कर दिया, हम जब 10 साल के थे, तो ऐसी मेरे साथ में कोई गतिविधि नहीं हुई, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब जब उस बचपन से सीधा हम कट टू आते हैं आज की तारीख में, आज अगर आप अपने आप को एक मतलब थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, लेकिन अगर आज आपसे कोई पूछे कि आप अपने आप को किस तरह के कलाकार के तौर पर परिभाषित करती हैं, एक ऐसा कलाकार जो बहुत अनुशासित है, बिल्कुल उसकी दिनचर्या जो है वो एकदम फिक्स है, और वो संगीत का रियाज से लेके और मंच के जो नियम कायदे कानून होते हैं उन सबका पालन करती है, एक ऐसी कलाकार हैं आप, या वो जो बचपन में था कि हाँ बहुत कोई क्रेज नहीं था कह लें, या बचपन में उस तरह का लगाव नहीं था, तो वो अभी अभी कैसे परिभाषित किया जाए आपको? देखिए, आज मैं क्या हूं मुझे नहीं मालूम, सच कहूं तो ये सब आप लोग हैं, ये श्रोता लोग हैं, ये सुधी श्रोता लोग हैं, जो मेरे गाने पर कुछ अंशों में लुप्त हैं, कुछ अंशों में कुमार जी के संगीत पर लुप्त हैं, कुछ अंशों में मेरे संगीत पर लुप्त हैं। मेरा गाया हुआ उन्हें शायद पसंद आता है, या वो मेरे गाए में कुमार जी को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो वास्तव में गलत है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये आज उनका प्यार है जो मुझे यहाँ मैं खड़ी हूं। मैं आज भी अपने आप को संगीत का एक अदना सा विद्यार्थी समझती हूँ, और ये बिल्कुल मैं हृदय की गहराई में जाके आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने चारों ओर माना कि मैं लुब्ध नहीं थी संगीत पर बचपन से, माना कि मुझे बचपन से संगीत का वैसा क्रेज नहीं था जिस तरह से एक चाह होती है कि भाई मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे कुछ बनना है और मुझे संगीतकार भी बनना है। ये बचपन से माना कि मुझ में कोई ऐसी लुब्धता नहीं थी, लेकिन मैंने संगीत की ऊंचाइयों को महसूस किया है, और ये समझ, ये एक दृष्टि कह लीजिए, ये हमारे माता-पिता की वजह से, और खास करके मेरी माँ वसुंधरा जी की वजह से, हम बच्चों में ये बहुत अच्छे से हमको बता दिया गया था कि तुम किस ऊंचाई के आसपास जी रहे हो, इसका भान तुम्हें होना चाहिए। और चूंकि ये भान मुझे कुछ कुछ अर्थों में शायद था, इसलिए मैं ये कह रही हूं कि मैं उस संगीत की ऊंचाई को मैं देख चुकी हूं, मैं महसूस कर चुकी हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ताउम्र मैं इस विद्यार्थी दशा से अपने आप को कभी आगे समझ पाऊंगी। ये एक बहुत विशेष बात मुझे अपने बारे में लगती है। दूसरी बात ये कि माना कि आज मैं गा रही हूं, ये सब सही है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा अंतराल मैंने इस तरह से भी गुजारा है कि भाई मैं क्यों गाऊं, मैं गाऊं तो क्यों गाऊं, क्योंकि मेरे पिता कुमार जी, वसुंधरा जी मेरी माँ, मेरे बड़े भाई मुकुल जी और कुमार जी के सानिध्य में आए हुए बहुत से शिष्य लोग, उनका मैंने इतना सुंदर संगीत हमेशा सुना है कि मुझे हमेशा लगता था कि भाई मैं क्यों, ये है ना इतने सारे अच्छे लोग गाने वाले, भाई मैं क्यों गाऊं। पर अंततः ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपको स्वयं को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है, और मुझे एक समय बाद ऐसा लगा कि शायद मुझे स्वयं को यदि अभिव्यक्त करने का अवसर मिले तो मैं क्या करूंगी। तब मुझे लगा कि शायद मैं संगीत ही कर पाऊं, शायद संगीत ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से मैं अपने आप को कहीं ना कहीं शायद अभिव्यक्त कर पाऊं, तो इसलिए संगीत करना शुरू किया। तो दीदी, अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि संगीत नहीं करती तो क्या करती हैं? कुछ था और दिमाग में? अब वास्तव में कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सामान्य चीजें थी, जैसे मैं शायद पहाड़ों पर ही भ्रमण करती रह जाती, हिमालय पर ही भ्रमण करती रह जाती, क्योंकि मुझे हिमालय से बहुत ज्यादा लगाव है, मतलब बहुत जबरदस्त आकर्षण है हिमालय का, शायद मैं वही करती रह जाती, या मैं शायद शेफ बन जाती,
या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाती, कुछ भी हो सकता तो ये शेफ वाला तो था। मुझे ये बात जी। जी, ये एक बात मुझे आपने जो कही कि जो अनुशासित जीवन है, वो बात मैं मानती हूं कि अनुशासित जीवन होना कलाकार के लिए बहुत आवश्यक चीज है। एक तरह से देखा जाए तो हम बड़े पैमाने पर, जब हम कलाकार के बारे में बात करते हैं सामान्य रूप से, तो मस्त मौला कलाकार है भाई, जब मर्जी आए, जब गाना कर रहे हैं जब मर्जी आए, जब उठ रहे हैं जब मर्जी आए, सो रहे हैं जब मर्जी आए, मूड मूड की बात है ना। तो ये एक कहने के लिए ठीक है बात। और कुछ कुछ कलाकार पहले के जमाने में बिल्कुल हुआ हुए थे ऐसे, जो बहुत अपने मस्त मौला थे, अपने मर्जी के मालिक थे। लेकिन जिस दौर में हम पैदा हुए हैं और जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां पे इस तरह की मस्त मौला हरकतें करना उचित नहीं जान पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज कला को हम एक प्रोफेशन के रूप में देख रहे हैं, हम प्रोफेशन के रूप में कर रहे हैं। ये केवल शौकिया तौर पर करने वाली चीज मेरे लिए अब नहीं है, और जो शौकिया तौर पर करने वाली चीज नहीं है, उसके साथ में आपको अनुशासन रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल अनुशासन कब हम नहीं करेंगे? जब हम शौक के रूप में कुछ कर रहे हैं। भाई हमें किताब पढ़ने का शौक है, भाई आज पढ़ी कल नहीं पढ़ी, हमने 4 पेज पढ़े, हमने 10 पेज नहीं पढ़े, हमने एक किताब नसीरुद्दीन शाह की भाई मुझे 10 दिन में खत्म करनी है, नहीं खत्म करी, ठीक है भाई कोई बात नहीं। महाभारत मैंने पढ़ने को लिया, मैं 5 साल तक महाभारत पढ़ रही थी, मुझे कोई बॉन्डेज नहीं था, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है कि मैं महाभारत आपको 2 महीने में पढ़ के समाप्त कर दूं। क्यों भाई, वो मेरा शौक है, पढ़ना मेरा शौक है। लेकिन संगीत ये केवल अब शौक नहीं है मेरा। तो जो शौक की बात नहीं है, उसमें आपको अनुशासन रखना ही पड़ेगा, वरना सारी चीजें हिल जाएंगी। अच्छा, कुमार जी कितने डिसिप्लिन्ड थे? आपको मतलब अगर इसी प्रश्न को थोड़ा और एक्सटेंड करें एक कलाकार के तौर कुमार पर। जी, कुमार जी जैसा व्यक्ति इंसान के तौर पे भी, एक व्यक्ति के तौर पर भी, और एक कलाकार के तौर पे भी, मुझे नहीं लगता इतना डिसिप्लिन्ड कोई व्यक्ति, इतना अनुशासनबद्ध कोई व्यक्ति मेरी नजर में अब तक आया होगा। कभी भी कुमार जी ने अपना जो बनाया हुआ अनुशासन है उसमें कभी भी कोताही नहीं की। समय पर उठना, ये बात अलग है कि जब सफर से आते थे तो कुछ आगे पीछे समय होता था, वो बिल्कुल समझने वाली बात है। लेकिन सामान्य रूप से एक कलाकार के बतौर, चूंकि एक तो उनकी तबियत का भी मामला था, आपको मालूम है कि वो देवास आए ही इसीलिए कि उनको स्वास्थ्य लाभ लेना था, जी और उस वजह से भी नियमित भोजन, नियमित आराम, नियमित गाना, रियाज नहीं कह रही हूं मैं, नियमित गाना मतलब गाना सिखाना, और नियमित मनन चिंतन। हालांकि उसका कोई ऐसा नियम नहीं था, क्योंकि वो 24 घंटे उनके भीतर चलता रहता था, और वो मनन चिंतन की प्रक्रिया करते हुए जिस 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 चीजों का अनुशासन वो रख सकते थे, वो 100% उसका पालन करते थे। इतना मेटिक्यूलसली ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम। ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रही हूं कि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे गुरु रहे हैं, ये एक त्रस्त भाव से मैं एक दूरी पर जाकर जब मैं देखती हूँ, तब भी मैं आपसे यही बात कहूंगी कि मैंने इतना सुव्यवस्थित विचार करने वाला व्यक्ति, इतना सुव्यवस्थित रहन सहन वाला व्यक्ति बहुत कम देखा है। अभी आप कह रही थी कि आप या तो अगर अगर गायक नहीं बनती हैं, जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हालांकि आज की तारीख में, लेकिन अगर नहीं बनती तो आप हिमालय पर घूमना पसंद करती या शेफ बन जाती। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दो चीज़ें तो स्ट्रेट कुमार जी से ही आई हैं। मतलब जिस तरह का उनका स्वभाव था और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मैं सुन रहा था सोपान भैया कह रहे थे कि वो उन्हें खाने का इतना शौक था कि वो खिचड़ी भी इतने प्यार से खाके और उसकी इतनी तारीफ कर देते थे कि खिचड़ी जैसी बेरंग और बेरस भोजन वाली चीज जो हमें लगती है, जिसके साथ ये टैग है कि बीमार है तो खिचड़ी, बीमारी ही है तो खिचड़ी मिलेगी। तो वो बता रहे थे उसी इंटरव्यू को का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो उसकी भी इतनी तारीफ करते थे। और उनके गोलगप्पे ना खा पाने की नाराजगी का किस्सा भी हमने सुना हुआ है,
लेकिन मैं थोड़ा दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी खाने पीने की जो आदतें, आपको भी कभी ऐसे नाराजगी होती है क्या कि मुझे गोलगप्पे खाने को नहीं मिल रहे हैं, मुझे चटनी तीखी चीजें खाने को नहीं मिल रही है, कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? देखिए, मेरे साथ में एक बहुत बड़ी सहूलियत ये रही है, जैसे मैंने आपको बताया, या आप नोट कीजिए इस बात को, कि मैंने शुरुआत की अपने जीवन में संगीत नहीं, मैं लुप्त नहीं थी संगीत पर। तो वो जो बचपन का और युवावस्था का एक युवावस्था तो नहीं कहूंगी, किशोरावस्था का एक शुरू का जो दौर है, जिसमें वास्तव में गोलगप्पे और इमली और चटनियां खाने की बहुत इच्छा होती है, वो तो मैंने खूब एंजॉय किया है, मैंने खूब मजा लिया है उसका। तो इसलिए अब वैसी क्रेविंग नहीं है मुझ में कि अरे भाई मुझसे कुछ छूट गया। कुमार जी की बात अलग थी। हाँ कुमार जी की बात ये थी कि वो चाइल्ड प्रोडिजी थे, वो उम्र के 7वें साल से गा रहे थे। कुमार जी तो कहते थे कि भैया मैं उम्र के 10वें साल में हेड ऑफ द फैमिली था, आई वॉज द मेन अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और चूंकि उम्र के 9वें साल से वो कॉन्फ्रेंसेस में गाना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो स्वाभाविक है। और शिवेन जी, उस जमाने का सारा हाइजीन का मामला और अब के इसमें काफी फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। बहुत फर्क आ गया है। और उस समय यदि एक कर्नाटक का कन्नड़ भाषी बच्चा जो इलाहाबाद या बनारस या लखनऊ में जाकर यदि गोलगप्पे ना खा पाए, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल अलग दुनिया है। कन्नड़ भाषी लोगों में तो ना तो गोलगप्पे होते हैं और ना इस तरह की चटनियां होती हैं, वहां तो भाकरी और भाजी का मामला रहता है। तो उनके लिए वो एक बहुत एक अद्भुत चीज रही होगी, जिससे कि उनको वंचित होना पड़ा एक तरह से, निश्चित रूप से। तो वो उनके लिए बहुत बात थी। आज मैं जरूर ये कहूंगी कि मैं आनंद तो जरूर लेती हूँ इन सब चीजों का, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आनंद नहीं लेती, लेकिन हाँ सोच समझ कर कि भाई नहीं, अब आने वाले 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, यदि आपको 10 दिनों बाद यदि आपको कहीं कुछ कमिटमेंट है, तो ये इतनी ढिलाई अब नहीं चलेगी। अच्छा दीदी, एक एक सवाल और पूछना जरूरी है जिसका जवाब आपने पहले कई बार दिया हुआ है। जब हम कुमार जी के बचपन में की बात करते हैं तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो उनको उस्ताद फयाज खान साहब ने जो टोपी दी, जहां से नाम पड़ा, और चूंकि किस्सा जानते हुए भी आपके मुंह से सुनने में शायद ज्यादा आनंद आएगा, तो इसीलिए गुजारिश करूंगा कि वो जरूर बताएं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। जरूर जरूर, ये क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक घटना मैं मानती हूँ इस बात को शिवन जी, क्योंकि ये बात मैं कह रही हूँ 1935-36 के आसपास की। 1934 में कुमार जी जब 10 वर्ष के थे, तब इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में 9 साल के थे, तभी बल्कि गाना हुआ था। और उसके बाद में 1935 में वो कलकत्ता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनको गाने के लिए आमंत्रण मिला। तब श्रोताओं में उस जमाने के बहुत बड़े कलाकार जैसे कुंदनलाल सहगल जी, फयाज खान साहब जी, ओंकारनाथ ठाकुर जी, विनायकराव पटवर्धन जी, हाफिज अली खान साहब, इस तरह के बहुत बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। और कुमार जी चूंकि छोटे थे, स्वाभाविक है सबको बहुत प्यार आता था उनके ऊपर। और क्योंकि सब जगह बहुत उस समय चर्चाएं थी कि भाई एक कन्नड़ भाषी बच्चा आया है और जो बहुत सुंदर गाता है, जो रहमत खान साहब के गाने भी बहुत सुंदर गाता है, इस तरह से। तो मंच पर उस समय 2 सिटिंग्स हुआ करती थी, कभी भी कलाकार की कोई एक सिटिंग नहीं होती थी, जिस तरह से आज बड़े शहरों में तो 45 मिनट या 1 घंटे की सिटिंग को मतलब पूरी महफिल मान लिया जाता है। उस समय ऐसा नहीं होता था, किसी भी कलाकार को कम से कम 2 बार श्रोताओं के सम्मुख आना होता था अंतराल के बीच में। आज किसी की पहली सिटिंग सुबह हुई है तो या तो शाम को होगी या कल होगी, इस तरह से। और वो पूरी कॉन्फ्रेंस जो 3 या 4 दिनों की होती थी, उसमें सभी कलाकार सारे समय उपस्थित रहते थे। तो कुमार जी की पहली सिटिंग जब हुई, तब लोगों ने खुश होकर चांदी के, सोने के तमगे, बिल्ले उनके ऊपर न्यौछावर कर दिए। और चूंकि छोटे बहुत थे कुमार जी, खुशी की वजह से उन्होंने वो सारे तमगे स्टेज के ऊपर से एकत्र करना शुरू कर दिया। तब फैयाज खान साहब मंच पर गए और उन्होंने माइक हाथ में लिया और उन्होंने कुमार जी से कहा कि बेटा तुमने बहुत लाजवाब गाया। और उन्होंने कहा कि मेरे पास
कोई जागीर नहीं है, लेकिन यदि मेरे पास कोई जागीर होती तो मैं तुम पर लुटा देता। और ऐसा कह के उन्होंने अपने सर की जो टोपी है वो कुमार जी के सर पर उस दिन रख दी। तो ये मेरी दृष्टि से बहुत एक सुंदर घटना है कि उस जमाने में टोपी एक दूसरे के सर पर रखना इसका मायना बहुत समझते थे लोग। अब आज तो बहुत मतलब टोपी निकालना ही मामला खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गांधी टोपी बची है, उसके अलावा तो टोपी रखना मतलब एक गलत अर्थ उसका ले लिया जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर घटना मैं इसे मानती हूँ, जिसकी वजह से बड़े बड़े संगीत कलाकारों के बीच में भी कुमार जी के प्रति एक बहुत आदर का भाव आ गया, जिसकी वजह से वो ध्यान से सुनने लगे और उनका संगीत। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।